So good morning friends, welcome to PT classes. Today a very important session for all those who want to make their career in police. Dosto, aapne bahut se interviews hamare already dekhe honge regarding constable interview, regarding SI interview. Aaj jo hum aapko situational based questions dene ja rahe hain, usme se bahut se questions already police department mein puche gaye hain. Hamare bahut se SI students ne hame intimate kiya ki ye questions bahut important hai. उम्मीद है हमारे दोनों चैनल पीडी क्लास और इंटरव्यू गाइड से आप बॉडी लैंग्वेज के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इंटरव्यूज के वीडियोस देख रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश भी हमारे वीडियो से सीख रहे हैं. तो उम्मीद है कि आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है. सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा रितु शर्मा को. रितु वेलकम. रितु, पुलिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? सर, पुलिस को हिंदी में बहुत से नामों से जाना जाता है. okay. जैसे नगरपाल, आरक्षी और सिपाही के नाम से जाना जाता है. ओके. okay, आपने बताया आरक्षी, नगरपाल, सिपाही और एक नगर रक्षक भी इसी का ही नाम है. yes, चलिए मुझे ये बताइए, आप पुलिस की जॉब के लिए आप प्रेरित कैसे हुए? सर, मेरी आंट जो है वो हेड कांस्टेबल है. okay. और सर मैं उनसे बहुत प्रेरित हुई हूँ क्योंकि सर उनके अंदर बहुत सी क्वालिटीज है. वो अपने कार्य को करते समय दिन रात नहीं देखती है और अपने कार्य के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाती है. सर, दैट्स ग्रेट. अच्छा, मान लीजिए कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में आ गई हैं और आपने एक नेताजी के बेटे को पकड़ा है जो शराब पीकर व्हीकल चला रहा था और आपसे भी अच्छे से बात नहीं कर रहा है. अब जब आपने उन्हें पकड़ा तो कुछ कॉल्स आई आपके पास और उन्होंने आपको बोला कि आप इसको छोड़ दीजिए, तो आप क्या करेंगे? और आपके सीनियर्स ये बात कह रहे हैं. सर, सबसे पहले मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं अपने सीनियर्स की बात सुनूं. ओके. और सर, जैसे कि सभी लोग को एक समान नहीं होते, सबका बिहेवियर अलग अलग होता है. हर डिपार्टमेंट में सर ईमानदार लोग भी होते हैं, तो सर मैं ये चाहूँगी कि ये जानकारी उन तक पहुँचे. और सर मैं जितना हो सके ये कोशिश करूँगी कि मैं इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकूँ और दोषी को सजा दिलवा सकूँ, क्योंकि सर मेरे लिए सारे देश के नागरिक एक समान हैं. That's very good. रितु, मैं यहाँ पर आपसे सारे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस आज पूछने वाला हूँ. तो मेरा आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऑलरेडी एसआई के एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपने अपने जीवन में टोटल कितनी लड़ाई लड़ी है. सर, मैं एक वुशु प्लेयर हूँ. मुझे खेल के दौरान रोज किसी ना किसी से लड़ना पड़ता है. okay. और सर मैंने मार्शल आर्ट में स्टेट भी खेला है. सर, ओके, दैट्स वेरी गुड. अच्छा, ये बताइए, यदि आपको किसी बात पर कोई ब्लैकमेल करे तो आप क्या करेंगे? मेरा यह मानना है कि किसी भी इंसान को ब्लैकमेल तब किया जाता है जब उसने कोई झूठ बोला या कोई बहुत बड़ी गलती करी हो. सर, मेरी जो लाइफ है वो एक खुली किताब की तरह है. मैंने अपनी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला है, तो सर मुझे किसी भी चीज को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. सर, ओके. और मान लीजिए कि कहीं सट्टा चल रहा है और वहां पर आप जब वहां पर गए तो आपको पता लगा कि एक शहर के बहुत नामी व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है, तो वो आपको रिश्वत दे रहे हैं कि आप हमारा नाम बताने दो तो हम आपको 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? सर, मेरा मानना यह है कि सुकून की तो 2 रोटी भी बहुत होती है. और सर, बेईमानी का पैसा कैसे न कैसे करके निकल ही जाते हैं. सर, और सर इसके लिए अगर मेरे को 10 करोड़ की भी कोई रिश्वत देगा तो भी मैं ये नहीं लूंगी, क्योंकि मैं अपने पुलिस होने का फर्ज नहीं भूलूंगी और अपने इस दर्जे से बाहर नहीं आऊंगी. सर, सर ऐसा ही एक मेरी आंट के साथ भी हुआ था. okay. दिल्ली में उन्होंने कोई एक बहुत बड़ी सट्टा की गैंग थी उसको पकड़ा था. okay. और उन्होंने उनको 5 करोड़ रिश्वत देने के लिए भी बोला था, लेकिन right. उन्होंने ये रिश्वत नहीं ली. सर, उनसे मैं बहुत ज्यादा प्रेरित हुई हूँ. बहुत बढ़िया सोच है भैया आपकी. अच्छा, मान लीजिए आप रोड पर जा रहे हैं और 2 बदमाश शराब पीकर एक लेडी को तंग कर रहे हैं, ईवटीजिंग कर रहे हैं, तो आपका क्या रोल रहेगा? सर, जरूरत पड़ने पर मैं उसे उसकी पिटाई करने के लिए भी तैयार हूँ. okay. और सर इसके अलावा मैं लॉ के थ्रू उस पे केस करवाऊंगी. सर, बहुत बढ़िया. अच्छा, आपके हिसाब से कि आज के इन दिनों जो माहौल चल रहा है उसमें बहुत से राज्य ऐसे हैं जहाँ पर वाइट चिट्टा नाम से नशा चल रहा है और बहुत से युवा उसमें खराब हो रहे हैं, अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं, तो आपकी क्या राय है युवाओं के लिए? सर, मेरी राय तो यही है कि युवाओं को अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे विचारों को ग्रहण करना चाहिए. और सर, सरकार को भी इसके खिलाफ कानून बनाने चाहिए और जिम फ्री योगा केंद्र खोलने चाहिए. ओके. एक पुलिस इंस्पेक्टर में, सब इंस्पेक्टर में या हम कॉन्स्टेबल ले, क्या क्वालिटी क्या होनी चाहिए पुलिस में आपके हिसाब से? सर, वो निडर होना चाहिए. Okay. वो अपने कार्य के प्रति कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए, अपने कार्य को ईमानदारी से करे. बिल्कुल.
चलिए बहुत है, इतने पॉइंट्स आपने जो बताए। मुझे बताइए, फादर ऑफ इंडियन सीआईडी किसे कहा गया है? सर श्री राय बहादुर शंभुनाथ को कहा गया है सर। ओके, और फर्स्ट पुलिस ऑफ इंडिया कौन बने थे? सर एल रिकेट्स फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने थे। अच्छा मुझे ये बताइए कि पुलिस सिस्टम ब्रिटिश इंडिया में किसने शुरू किया था? सर लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने पुलिस सिस्टम शुरू किया था ब्रिटिश इंडिया के दौरान। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, फर्स्ट मेल आईपीएस ऑफ इंडिया कौन है? सर फर्स्ट मेल आईपीएस ऑफ इंडिया ईबी जोशी है सर। और फर्स्ट फीमेल आईपीएस? सर किरण बेदी। वेरी गुड। और फर्स्ट आईएएस ऑफ इंडिया कौन है? सर फर्स्ट आईएएस ऑफ इंडिया सत्येंद्र नाथ टैगोर है सर। वेरी गुड। अच्छा एक बात आइए मुझे कि आईएएस की पोस्ट और आईपीएस की पोस्ट में से ज्यादा पावरफुल पोस्ट किसकी है? सर ये भी क्वेश्चन ऐसा ही नहीं पूछा गया था। हाँ जी सर, आईएएस और आईपीएस की पोस्ट में आईएएस की जो पोस्ट है वो ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि सर जो आईपीएस होती है वो डिपार्टमेंट को संभालती है, जबकि आईएएस जो होती है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट को संभालती है सर। बहुत अच्छा नॉलेज रखकर आए हैं आप। अच्छा मुझे ये बताइए कि बेस्ट पुलिस ऑफिसर ऑफ इंडिया में लिस्ट में सबसे ऊपर किसका नाम है? सर विनोद चौबे का। ये एक सर एसपी है, इनको नक्सल अर्बन नेटवर्क एक्सपोजर में ये फर्स्ट ये बेस्ट पुलिस ऑफिसर का अवार्ड मिला। यस सर। जिनका नंबरिंग में नंबर वन पे, इनका रैंकिंग में नंबर वन है। यस सर। मुझे बताइए कि हाईएस्ट पोस्ट ऑफ इंडियन पुलिस कौन सी कहलाती है? सर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। बहुत अच्छा बताया, दैट्स वेरी गुड। फादर ऑफ पुलिस बता सकते हैं, फर्स्ट फादर ऑफ पुलिस किसे कहा गया था? ऑगस्ट वॉलमर को फर्स्ट फादर ऑफ पुलिस कहा गया था। अच्छा सीआई की फुल फॉर्म बताइए। सर सर्कल इंस्पेक्टर। बिल्कुल। कारगिल विजय दिवस बनाया जाता है कब? सर कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को बनाया जाता है। ओके अच्छा आप राजस्थान से हैं, तो राजस्थान की पहली महिला डीजी कौन है? सर नीना सिंह। आईपीएस नीना सिंह। सर बहुत अच्छा। देश की पहली महिला पुलिस बटालियन कहां बनी थी? सर राजस्थान में। ओके चलिए मैं आपके पास आपके लिए बहुत से और भी क्वेश्चंस लेकर आया हूं, तो मुझे ये बताइए कि नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? सर ये एकेडमी पुणे में स्थित है सर। बहुत बढ़िया। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? सर रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके भारत का में तीसरा सबसे बड़ा पद पुरस्कार कौन सा है? सर मृत सागर और या फिर इसे डेड सी भी कहा जाता है। ओके और भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। राइट। ओके भारत में पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाले राज्य? सर मध्य प्रदेश। ओके भारत में मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? पी एस रमा देवी। राइट सर। चलिए आपने जितने भी आंसर दिए ऑल आर गुड। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गर्ल्स के लिए पुलिस की जॉब क्या सूटेबल है, आपको क्या लगता है? सर जैसा कि महिला जो सशक्तिकरण है उसके अंदर, तो सर आजकल तो हर महिला हर डिपार्टमेंट में है सर। बिल्कुल। तो सर इसके लिए डरने की तो कोई बात ही नहीं है सर। वेरी राइट। इवन सर महिला हर डिपार्टमेंट में अपना योगदान दे रही है, तो सर इसके अंदर बिल्कुल आर्मी में भी अब जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, सैनिक स्कूल है, इन सब में अब गर्ल्स को अलाउ कर रहे हैं। yes, और दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि गर्ल्स भी इसमें पार्टिसिपेट करें और आगे बढ़े, नेवी में आर्मी में गर्ल्स आए। राइट yes, right? बहुत अच्छी बात है। चलिए मुझे ये बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस में जाना है तो उसको फिजिकली मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखना चाहिए। राइट तो डेफिनेटली आपकी भी कुछ स्ट्रेंथ होगी, तो आपकी स्ट्रांग पॉइंट्स क्या है जिसकी वजह से आप पुलिस में आ रहे हैं? सर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, ऑनेस्ट हूँ, पंचुअल हूँ, और सर मैं अपने मुझे लगता है कि मैं इस कार्य को अच्छे से कर पाऊंगी सर। ओके रितु आपकी हॉबीज क्या है? सर मेरी हॉबीज है नए लोगों से मिलना, मार्शल आर्ट खेलना, और सर दौड़ लगाना, और सर व्यायाम करना। ये आपको अच्छा लगता है? यस सर। रितु हम आपको क्यों सिलेक्ट करें पुलिस में, हम आपको क्यों लें इस समय इस जॉब के लिए? सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे इस योग्य माना। okay. और सर मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये सब क्वालिटीज़ है कि मैं इस जॉब के लिए सूटेबल हूँ सर। okay. सर मैं आत्मविश्वासी हूँ, दृढ़ निश्चयी हूँ सर, मुझे वास्तव में एक चांस चाहिए देश की सेवा करने के लिए सर। okay. रितु इस जॉब के लिए आप जानते हैं कि आपको अपना घर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको अपने शहर में ही जॉब मिले, तो क्या आप कहीं भी चले जाएंगे?
हाँ जी सर, कश्मीर से कन्याकुमारी सर मेरे लिए एक समान ही है। मैं अपने नाम के अनुरूप हूँ, मेरे नाम का जैसे मीनिंग सीजन बनता है, तो सर मैं एक एडजस्टेबल गर्ल हूँ सर। तो आप कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं। यस सर। वेरी नाइस। तो आपने जितने भी आज आंसर्स दिए, दे आर रियली प्राउड ऑफ यू, और आई होप कि ये जो सेशन है ये हमारे उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट देगा जो पुलिस डिपार्टमेंट में अपना करियर बनाने जा रहे हैं। रियली प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप, ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू सर।